इतने टाइम बाद इतना बढ़िया नाश्ता करके मजा आ गया। थैंक यू थैंक यू। अरे आपको थैंक यू मेहता साहब कि आप आए। इनसे पूछो तो सही, इनको अच्छा लगा ऐसे फाफड़ा वाफड़ा जरा पूछो। How do you like it? Very very tasty. I love Indian food. अरे ता मन मुके ना खा जाओ। More it. More it. Actually, Jethalal is saying if you like Indian fafra. Fafra? What is fafra? Fafra. This is fafra. Very tasty. है ना, बस एक बड़ा पार्सल आपको बांध के दे दूंगा, घर ले जाना, घर पे खिलाना सबको। One parcel. Big family, Kenya. मजा करना सब। He's saying when you go back to Kenya, he'll give you one parcel of fafra for your family. Thank you. Even I love this fafra. हाँ तो एक पार्सल मैडम आपको भी बंधुआ दूंगा, आप भी मजा करना। One parcel for your family also. Oh, thank you, sir. Well, I love Indian food. Not only the food. I love yoga also. Yoga? I love India. Bas, agli bar full family. Anna. Bal bacha ka saath. Bal bacha? He's saying next time when you visit India, come with your family and your kids. Oh, sure. Now I have to beat it off. क्या बोला? कह रहे हैं कि अब तो आना जाना लगा रहेगा। मतलब लगता है डील लंबी चलने वाली है। मेहता साहब, सर का आना जाना लगा रहेगा मतलब आपका भी आना जाना लगा रहेगा। जेठालाल, मैं ऐसे हर बार बहाने बना के नहीं आ सकता। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, आपको बार बार तपलीक नहीं दूंगा भाई मैं। अच्छा, तो क्या इंग्लिश सीखने वाले हो? नहीं, इनको हिंदी सिखा देंगे ना। Why are they laughing? Sethji is saying, whenever you visit next time with your family, allow us to be your host. We'll take you around India. Oh, that's really very sweet of you. Thank you very much. Thank you so much. Nattu kaka, pura India thoda jyada ho gaya. Sorry, bol ke khali Mumbai bol do. Sethji, bolne mein kya jata hai? Next time aane to do, tab ki tab dekhenge. अभी तो जितना हो सके उतना उनको राजी करते, क्यों मेहता साहब? अरे उनका डिस्टर्ब मत करो, उनको खाने दो भाई, उनको खाने दो। आप खाओ, आप खाओ मेहता साहब, खाओ। अरे यार बाप रे, तो बैटरी डाउन हो गया। मूंगी लाल, एक काम करो, ये कार का चार्जर निकालो, उसको डालो, उसके अंदर पिन मुझे दो। सर वो चार्जर तो खराब हो गया। सर खराब हो गया चार्जर? अरे तो बताया क्यों नहीं? अरे 5% बैटरी रह गया है, अभी फोन अगर डाउन हो गया ना तो मेरा दिमाग भी डाउन हो जाएगा। अरे इतने जरूरी मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं अमेरिका से, वहां से फोन भी आने वाला, अब क्या करूंगा मैं? सर आप कहें तो वापस ऑफिस ले लूं। पेट्रोल का भाव मालूम है कितना खर्चा आने जाने में होगा ना, उतने में तो चार्जर आ जाएगा। ये आजू बाजू में कोई देखो, कोई इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है क्या? जी सर, एक पास में ही गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, वहाँ से ले लेते हैं सर। ये तो वही बात हो गई, आज आग लगी तो कुआं खोदा, तो नदी मिली तो उसमें नहा भी लिया। ये कैसा मुहावरा है सर? ये मेरा पर्सनल मुहावरा है, एनी प्रॉब्लम? सॉरी सर। ले लो, दुकान पे ले लो। जी हाँ, मेहता साहब मजा आ गया ना? बहुत मजा आ गया और मन तृप्त हो गया। बाकी नट्टू काका मजा आ गया है सेठ जी। बहुत दिनों के बाद आपको डाइट फूड से छुट्टी मिली है। डाइट फूड के साथ साथ बॉस से और उसकी ऑफिस से भी छुट्टी मिल गई।
कस्टमर। अरे आपका बॉस ये क्या कर रहा है? मुझे क्या? बताओ मुझे। What happened? Everything okay? He's doing yoga. After eating, you should do yoga. Oh, yoga! We will also do. We will also do. आइए आइए, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स सर, बताइए क्या दिखाऊं? आपके पास मोबाइल के लिए कार चार्जर होएगा? नहीं है। नहीं है? नहीं है। नहीं है भाई, मुझे पता है। नहीं है सर, कार चार्जर नहीं है। कमाल है, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोल के बैठा है और छोटा सा कार का चार्जर नहीं है आपके पास? वो क्या है कि थे लेकिन खत्म हो गए। खत्म हो गए? हाँ, दूसरा स्टॉक कल आएगा सर, तब कल आइएगा। कमाल के आदमी आप लोग भाई, चार्जर आज चाहिए और बोलते हो कल आइए। हाँ पर आज तो अभी नहीं है सर, क्या कर सकते हैं। ठीक है। क्या हुआ? ये दोनों जो फॉरेनर है ये आपके कस्टमर है क्या? नहीं, वो अब आपने सुना नहीं है कस्टमर गॉड होता है? अरे वो जो भी है, आपका कार चार्जर नहीं है सर, मैंने बोला ना आपको। इतना बड़ा दुकान, फीका पकवान। नहीं है तो नहीं है अभी। रुक जाइए सर, वापस आइए। क्योंकि कार चार्जर है। एक बात बोलूं, तुमसे होशियार तो तुम्हारा एम्प्लॉई है। Keep it up। नहीं नहीं, इसमें सेठ जी की कोई गलती नहीं है। दरअसल ये छोटा सा कार चार्जर बड़े से बॉक्स के पीछे था, उसमें सेठ जी को ख्याल नहीं रहा। ये लीजिए। हाँ, कितना हुआ? फ्री फ्री। फ्री है? फ्री? थ्री हंड्रेड। अरे 600 का है, मुझे इनको डिस्काउंट देना है। अरे लेकिन 50% डिस्काउंट। अरे तू मुंगी मारने सेठ कौन है? बस अब मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, उतना डिस्काउंट दो। 300। डुप्लीकेट तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ओरिजिनल है सर। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप ले आइएगा, मैं दूसरा पीस दे दूंगा बस। लेकिन अगर ये ओरिजिनल है तो फिर 50% डिस्काउंट क्यों दे रहे हो भाई तुम? अच्छा नहीं चाहिए डिस्काउंट तो कोई बात नहीं, 600 दे दीजिए। नहीं नहीं, इतना चर्या थोड़ी हूँ, 300 रुपए ही दूंगा। तुम्हारा 600 दे दीजिए, पागल हूँ क्या? दो ये। सेठ जी, चुप चुप। अरे वो मेहता सबके बॉस है क्या? कब से बफट में बफट कर रहा था। अरे मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि वो मेहता सबके बॉस थे, वरना मैं ये बफट करता ही नहीं। अरे पर इतना तो सोच, आज तक जिंदगी में मैंने कभी किसी को 50% डिस्काउंट दिया है? नहीं। बस तो समझ जाना चाहिए ना कि मेरी भी कुछ मजबूरी रही होगी, तब जाके मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ। सॉरी। अरे ये लोग अभी तक नीचे ही बैठे? सेठ जी उनको मजा आ रहा है। हेलो सर, योगा ओवर, ओवर योगा, ओवर। मेहता साहब, अरे उठ जाइए, गए गए बॉस, गए आपके। पक्का? हाँ हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए। थैंक यू जेठालाल, आज तो तुमने मेरी जान बचा ली। योगा नॉट ओवर। Continue, continue. No, no, no. We are okay. Continue. Hey, Natu Kaka, क्या कर रहे? Sorry, Sekh ji, sorry. Yoga, continue, please. Oh, okay. No problem.
क्या हुआ सर, कुछ भूल गए आप? मैं नहीं, आप भूल गए। किसका बिल, किधर है बिल? अरे भाई कंपनी के खर्चे में डालूंगा ना। ओहो बिल चाहिए, ठीक है, आई आई मैं बिल देता हूँ, आई आई बिल। ये यहाँ क्यों आ रहे हैं? सेठ जी, ये तो यहाँ आ रहे हैं। एक मिनट सर, 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 क्या हुआ? क्या हुआ सर? पीछे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? मुझे दिख रहा है, बोलता कुछ नहीं है। कौन कौन दिख रहा है आपको? कौन नहीं बाबा, हेडफोन। हेडफोन दिख रहा है पीछे पड़ा है ना, वो दियो मेरे को, वो चाहिए। ओ अच्छा, हेडफोन चाहिए आपको? अच्छा ओ बागा, नहीं तू रहने दे, मैं दिखाता हूँ हेडफोन। नहीं नहीं सेठ जी, मैं दिखाता हूँ। बागा तू कैसे दिखा सकता है ऐसे? दिखा दिखा दिखा। ये लोग कौन है यार, ये ऐसे क्यों बैठे हैं? ये तुम क्या करवाते हो कस्टमर से? अबे सर आपको तो है, अरे हेडफोन लाने जल्दी इधर। कलर सिलेक्ट कर रहा था, कौन सा? नहीं काला अच्छा है, काला चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। कितने का है? 3,000। 50% डिस्काउंट मिलेगा ना मेरे को? मतलब 1500 है? 1500 ठीक है, चलो ये भी दे दो। ठीक है लाइए, मैं पैक कर देता हूँ। सेठ जी मैं बिल बना देता हूँ। बगा वो मैंने बिल बनाया नहीं है, वो चार्जर का, तो एक ही बिल में दोनों का बना देना। हाँ जी, आइए 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 सर, इस तरफ आइए आइए, मैं बिल बना देता हूँ। 1500 हाँ दे रहा हूँ बाबा, दे रहा हूँ। 5 5 5 हो गया। लो भाई ये लीजिए हेडफोन और कार चार्जर, बराबर। और ये आपका बिल सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके 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 सर, ओके बाय, थैंक यू। सेठ जी एक सवाल पूछूं? क्या? 1200 रुपए के हेडफोन के आपने 3000 क्यों बोले? चार्जर का 300 वसूल करने के लिए। कैसे? हेडफोन का कितना दिया? 1500 है कितने का? 1200 तो 300 का फायदा हुआ। चार्जर कितने का है? 600 और कितना दिया? 300 तो उसमें 300 का घाटा हुआ, तो वो 300 इधर वसूल हो गया ना। मतलब कस्टमर को तो कार चार्जर 600 में और हेडफोन 1200 में ही पड़ा ना। वाह सेठ जी वाह, मान गए आपकी ईमानदारी और कच्ची दिमाग को। कस्टमर का भी नुकसान नहीं हुआ और हमारा भी। अरे वाह गई, गाड़ी भी गई, बॉस भी गए, चल। अरे दोनों बिचार, मेरा सब उठिए उठिए, गए बॉस गए। पक्का? हाँ पक्का, बॉस गए, गाड़ी गए, सब गए। आई 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 सर, योगा ओवर। ओवर कंफर्म कंफर्म कंफर्म। हाँ भाई बोलो okay, बोलो हाँ okay. मैडम मैडम हाँ बैठो, सीट चेयर चेयर दे बागा, बैठो मैडम बैठो, आप भी बैठो मैडम सर। हाँ चलो जेठालाल, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं मेरा बॉस मेरे घर पे ना चला जाए। अरे आपके घर पे क्यों जाएंगे मेहता साहब? यहाँ पर तो नहीं आने वाले थे, लेकिन फिर भी आ गए ना। मैं काम करता हूँ, मैं उनको फोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ है। मेहता साहब एक मिनट, पहले इनको तो रवाना कर दे। अरे हाँ हाँ, सो मिस्टर मोटाम्बो, आवर डील इज फाइनल राइट? ओ यस यस, फाइनल इज फाइनल।
and Jenna will keep in touch for further agreement process. ये कह रहे हैं कि हमारी डील फाइनल है और जेनी इसके आगे का सारा काम देखेगी। हाँ, भले भले, डन 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 डन। Okay, Mr. Jitala, Kenya and India has shaken hands for business. हाँ। जेठालाल हाथ मिलाओ। अरे भाई बहुत जोर से हाथ मिलाते हैं। हाथ मिस्टर मुटांबो, जेंटली शेक हैंड्स। यू आर स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज स्केर्ड। ओके ओके, जेंटली, ओके जेंटली। Thank you. Okay, we take our leave now. Okay. Sir, your bag and your tie. Oh, thank you, sir. We are looking forward to this wonderful collaboration. ये कह रहे हैं कि आपके साथ धंधा अच्छे से चले, इसी की वो कामना करते हैं। Thank you. Okay. जेठालाल, तुम उन्हें बाहर तक छोड़ कर आओ, तब तक मैं बॉस से बात कर लेता हूँ। Okay, thank you. मुझे नहीं, उन्हें। हाँ जी जी बराबर। कमिश्नर मोटांबो, आफ्टर यू। ओके, आइए आइए आइए। हाँ मैते, हाँ भाई, तुम्हारी मोच कैसी है अभी? सर दर्द तो बहुत है। अरे बताओ फोन कैसे किया? सर वो सॉरी कहने के लिए फोन किया है। सॉरी कहने के लिए? तुमने फिर कुछ गड़बड़ की क्या? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं किया सर, वो मेरी मोच की वजह से मैं ऑफिस नहीं आ पाया ना, तो मैं आपकी वाइफ का काम भी नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी बोलने के लिए फोन किया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। मुझसे मिलने? कब, कहाँ? मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, रास्ते में ही हूँ। सर क्यों आ रहे हैं? क्या मतलब? तुम्हारा हालचाल पूछने आ रहा हूँ। अरे भाई मैं सेल्फिश आदमी थोड़ी हूँ कि तुम्हें इतनी बड़ी चोट लगी और मैं तुम्हारा हाल चाल भी ना पूछूं। मेरे कहने का मतलब है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, लेकिन तुम्हारा सामने से कॉल आ गया ना, तुम उसे रहा नहीं गया, मैंने पहले ही बता दिया। तकलीफ क्यों ले रहे हैं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने एम्प्लॉइज से बहुत प्यार करता हूँ, उनका बहुत ख्याल रखता हूँ। अचानक कहाँ से प्यार जाग गया? क्या क्या? कुछ नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है आप तकलीफ क्यों ले रहे हैं सर। मैं ते, तकलीफ में तो तू है भाई, मैं इसलिए आ रहा हूँ, और तुम्हारी वाइफ के लिए भी एक सरप्राइज है। उसको बोलना कि मैं खाना वहीं पे खाऊंगा, मेरे लिए सिंधी करी बना के रखे। जी सर। ओके सर। ओके। मर गया। छत पे चढ़े और आसमान गिरा, मुझे यानी कि तारक मेहता को पता चल गया है कि बॉस मेरे घर पर आने वाला है। और सच कहूं, मुसीबत से बड़ा डर होता है मुसीबत के आने का डर। मेरा बॉस तो अपनी गाड़ी में बैठ के गोकुल धाम के लिए निकल चुका है और मैं अब तक जेठालाल की दुकान में ही हूं। अब कुछ भी करके मुझे मेरे बॉस से पहले गोकुल धाम पहुंचना होगा, लेकिन ये तो नामुमकिन लग रहा है। अब बस एक ही रास्ता है, कुछ भी करके मुझे मेरे बॉस को मेरे घर पहुंचने से रोकना होगा। पर ये होगा कैसे? दोस्तों, जेठालाल की मदद करते करते क्या मैं अपनी नौकरी से हाथ तो नहीं धो बैठूंगा? क्या जेठालाल मुझे अपनी इस मुसीबत से निकाल पाएगा? भाई जिसका खुद का नसीब टेढ़ा हो, क्या वो मुझे मेरे टेढ़े बॉस से बचा पाएगा? जेठालाल का फायर ब्रिगेड यानी कि मैं बुरी तरह से फंस गया हूं, तो क्या इस बार जेठालाल मेरा फायर ब्रिगेड बन पाएगा? दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं और इन सारे सवालों के जवाब आपको कल के एपिसोड में मिलेंगे, लेकिन एक बात तो तय, इन सब के साथ आपको मिलेंगे हंसी और खुशी के ठहाके। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.